Yes. Hello? Yes. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिसेस मुमताज और बशीर अहमद हैं, जो ये श्रीनगर से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारे पास आते हैं। और इनका एक बहुत मेजर डिस्क का प्रॉब्लम है, जिसको L5-S1 डिस्क में इनको काफ़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन था इनको। और पेन जो था वो लेग में इतना ज़्यादा था कि चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं चल पा रहे थे। तो अभी एक बार बात करेंगे कि जो इनको वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या बताया था और उसके बाद इन्होंने ये ट्रीटमेंट कराया, तो इससे क्या फायदा हुआ, कब प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ था? ये अक्टूबर में के एंडिंग में, जब एंडिंग दिन चल रहे थे, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लास्ट ईयर अक्टूबर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो श्रीनगर में डॉक्टर्स को दिखाया था? हमने कई डॉक्टरों को दिखाया था, उन्होंने ऑपरेशन के लिए सर्जरी, कमर की सर्जरी के लिए डिस्क की सर्जरी के लिए बोला था। और क्या कंडीशन थी आपको, दर्द कितना था, चल पा रहे थे नहीं चल पा रहे थे? तब तो कंडीशन बड़ी खराब थी इनकी, और ये एक कदम नहीं चल पा रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी तब इनको। और बिल्कुल सिटअप, तो एक मतलब सीढ़ी चढ़ना बड़ी दूर की बात है, एक कदम नहीं चल पाते थे, और बहुत ज्यादा दर्द था इनको राइट लेग में और पूरे कमर में, और राइट लेग में पूरा बहुत ज्यादा दर्द था, बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, बिल्कुल नहीं चल पा रहे। तो हाथों से उठाना पड़ता था, हाथों से उठा के एक कमरे से दूसरे कमरे में ले आ गए, व्हीलचेयर पे भी जाते थे, व्हीलचेयर पे बैठते जाते थे। तो इनका पेन इतना ज्यादा था कि इनको वहां पर सर्जरी के लिए बोला था श्रीनगर में। और इनका जैसा कि बताया बशीर साहब ने कि इनको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इनको हाथों में उठा के ले जाना पड़ता था, या वॉशरूम जाने के लिए व्हीलचेयर पे ले जाना पड़ता था। तो ये कंडीशन थी। तो जब आपका ये ट्रीटमेंट अभी शुरू हुआ, अभी भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, अभी कुछ फर्क हुआ आपको पहले से? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फर्क हुआ है, आपकी मेहनत और ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। अभी तो ये खुद चल पाती है, अभी कंप्लीट नहीं चल पाती, लेकिन फिर भी बहुत सारे थोड़ा बहुत चलना फिरना हो गया, तो 200 मीटर भी चल पाती है, और 200 मीटर के बाद ये फिर बैठती है, फिर थकान शुरू हो जाती है। लेकिन पहले जो कंडीशन थी, टोटल एक स्टेप नहीं चल पाती थी, और आज की डेट में ये 200 मीटर चल पाती है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंक यू आपका सर, डॉक्टर साहब की, आपकी मेहनत की वजह से ये इतना। इनका अभी ट्रीटमेंट ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है, अभी चल रहा है ट्रीटमेंट इनका। और डिस्क, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका नस जो था बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फंसा हुआ था, तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कायरोप्रैक्टिक की तरह उसको पूरी नर्व को रिलीज़ कर दें। काफ़ी हद तक रिलीज हुआ है, अभी भी थोड़ा इनका ट्रीटमेंट बाकी है, जो अभी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। तो आने वाले टाइम में जो इनका ये नर्व है वो और भी ज़्यादा खुलेगा, और इनको चलने में और फिरने में जो इनका दर्द है, इंशाल्लाह और कम होएगा। So if you have any similar issue, if you have any disc problem, you can always try a chiropractic treatment. It has a good result, in especially in disc cases. If you have disc case, chiropractic, most of the time chiropractic is going to help you. So thank you viewers for watching our video, and thank you for appreciating our work. Please do subscribe our channel, and please press the bell button so that you can get new video all the time. Thank you very much. Thank you Vishnu sir, thank you.